ओम नमः शिवाय। दर्शकों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय काफ़ी ज़्यादा मज़े में होगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बी नाम वाले लोगों के साथ साल 2021 में क्या क्या होने वाला है। परंतु सबसे पहले इस वीडियो के गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र है कि समय अच्छा हो, समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक बन जाती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक बन जाती है, लेकिन जब समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। तो ये था इस वीडियो का गुरु मंत्र। और अब बात करते हैं कि साल 2021 में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। परंतु दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के नीचे आप ओम नमः शिवाय कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद धनु मकर स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लें और इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का एक ऐसा अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमा लेते हो तो पूरे वर्ष में, पूरे साल में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय काफी ज्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किस ग्रह के वजह से आपको फायदा होगा और किस ग्रह के वजह से इस वर्ष में आपको नुकसान होगा। ये सारी बातें हम जानेंगे बड़े ही विस्तार से। तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयास करें। दोस्तों साल 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपको उतार चढ़ाव का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ष में भगवान शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है और इस वजह से कुछ क्षेत्रों में, यानी कि कुछ मामलों में आपको फायदा होगा और कुछ मामलों में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे कि आपके नौकरी में, आपके कामकाज में, आपके आर्थिक जीवन में क्या क्या होगा वो बात करते हैं। दोस्तों नौकरी के लिहाज से आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। शनिदेव के वजह से आपके नौकरी में आपकी तरक्की काफ़ी ज़्यादा होगी। आपके कामकाज से आपके बॉस, आपके सीनियर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे और आपके पद में, यानी कि आपके पोजीशन में, आपके सैलरी में इस वर्ष में वृद्धि होने वाला है। लेकिन अगर आपके कामकाज की बात करें, आपके व्यापार की बात करें तो व्यापार आपका सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता प्राप्त करने से पहले आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। कठिन परीक्षा के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। वैसे अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का समय आपके व्यापार व्यवसाय के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस अवधि में आपका कामकाज काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा। आपके कामकाज में आपको सफलता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। लेकिन दोस्तों आप एक बात जान लें कि अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सामान्य तौर पे है। आगे बढ़कर, यानी कि सारी बातें जानने के बाद हम जानेंगे पूरे विस्तार से, तो आप वो भी सुने। दोस्तों इस वर्ष में आपका आर्थिक जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस पूरे वर्ष में शनिदेव की कृपा आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगी और पैसों की कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। इस वर्ष में आप पैसे खर्च करने से पहले थोड़ा विचार कर लें और विचार करने के बाद आप पैसा खर्च करें। फालतू में खर्च करने से आप बचने का प्रयास करें। अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो आपको पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे। वैसे बी नाम के लोगों के लिए विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल का शुरुआती 14 दिन और मई से लेकर जुलाई का अंतिम सप्ताह,
और इसके अलावा सितंबर का शुरुआती दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस पूरे वर्ष में यही कुछ दिन, यही कुछ महीना है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इसके अलावा जनवरी का पहला सप्ताह, अप्रैल का उत्तरार्ध और सितंबर का लास्ट और नवंबर तक का समय, यह कुछ दिन, यह कुछ महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा और इस अवधि में आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि बी नाम के विद्यार्थियों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता प्राप्त करने से पहले आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने से पहले आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साल के शुरुआत में 14 जनवरी के बाद का समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। 14 जनवरी से पहले आपके पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा, आपके पढ़ाई लिखाई में आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, जिसके वजह से आपको आपके परिवार वालों का, आपके गुरुजनों का डांट सुनना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस वर्ष के शुरुआत का जो 3 महीना है वह आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। साल के शुरुआत में आपके घर परिवार का माहौल तनाव से भरा हुआ रहने वाला है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने घर परिवार के माहौल को बेहतर करने का प्रयास करें। शुरुआती महीना बीत जाने के बाद जून तक का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुरुआत का समय जब बीत जाएगा तो अप्रैल के बाद से, यानी कि मार्च के लास्ट से ही आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर मंगल का गोचर होगा और उसके बाद जून से लेकर सितंबर तक का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहतर नहीं रहेगा। इस वर्ष में आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी आपका समय सामान्य से थोड़ा सा खराब रहने वाला है। इस वर्ष केतु व मंगल की दृष्टि के वजह से आपके वैवाहिक जीवन में आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वर्ष में गुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाले हैं। बृहस्पति के कृपा से आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा और उस बदलाव से आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आपका प्रेम संबंध भी इस वर्ष में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस वर्ष में आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका के बीच नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा होगा, छोटी मोटी बात पे आप दोनों में बहस होगा और इस वजह से आपका प्रेम संबंध कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा खराब रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष में राहु और केतु के वजह से आपको नेत्र विकार का सामना करना पड़ेगा। आपके कमर में, आपके जंघा में या आपके पेट में कुछ दिक्कतें होंगी और इन दिक्कतों के वजह से आपको परेशानी का सामना बहुत करना पड़ेगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग नशा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो इस वर्ष में ये सारी वस्तुओं को त्याग दें। अगर आप इनका सेवन छोड़ देते हो तो आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा, और अगर आप इन वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा और आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखें।
अगर साल के शुरुआत में आपके स्वास्थ्य की ओर देखा जाए तो फरवरी का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहेगा और मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। इस महीने में अपने खान पान का, अपने रहन सहन का आप पूरा ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूरे विस्तार से कि बी नाम वाले जातकों के लिए साल 2021 में उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। तो कैरियर के लिहाज से आपका समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पूरे वर्ष में भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं और वो आपकी राशि के 9वें घर में रहेंगे, जिसके वजह से आपके कैरियर में आपको उनका पूरा साथ मिलेगा। इस पूरे वर्ष में अपने कैरियर के प्रति आप जो फैसला करोगे वह फैसला काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस वर्ष में अगर अपने नौकरी में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के लिहाज से भी आपका समय आपका साथ देगा, आपको ट्रांसफ़र मिलेगा और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ आप जा सकते हो। दोस्तों आप में से जो भी लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने के लिहाज से भी आपका समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के लिहाज से आपका समय ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में अपने व्यापार में आप सावधान रहें और अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा झेलना पड़ेगा, इस बात को आप याद रखें। तो अब बात करते हैं कि बी नाम वाले लोगों के लिए इस पूरे वर्ष में इनके कैरियर के लिहाज से सबसे बेहतर समय कौन सा होगा। दोस्तों इस पूरे वर्ष में 6 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस अवधि में बृहस्पति के वजह से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा और आपके कैरियर में, आपके नौकरी में आपकी तरक्की काफ़ी ज़्यादा होगी। इस पूरे वर्ष में आपके लिए किसी अस्थाई संपत्ति का योग भी बन रहा है, यानी कि जमीन जायदाद या घर बंगला ऐसा कोई संपत्ति इस वर्ष में आपको प्राप्त होगा, जिसके वजह से आप आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। वैसे इस वर्ष में आप में से बहुत से लोगों को सरकार के तरफ से कोई इनाम मिलेगा, कुछ लोगों को इनाम में घर मिलेगा, कुछ लोगों को इनाम में गाड़ी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। दोस्तों पैसों के लिहाज से 2021 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत में अगर अपने खर्चे पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कतों का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। वर्ष के शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके वजह से साल के शुरुआत में अपने खर्चे पे आपको लगाम लगाना होगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आने वाला वक्त आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। इस वर्ष में आपका जीवन साथी या आपकी प्रेमी प्रेमिका जो भी हो वो आपसे खर्चे की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा करने वाला है और उनके ऊपर आपको खर्चा कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा खर्च करने से आप बचने का प्रयास करें। तो अब बात करते हैं कि बी नाम वाले छात्रों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। पूरे विस्तार से इस पॉइंट पर बात करते हैं। दोस्तों पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आपका समय सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपके पढ़ाई लिखाई में आपको दिक्कतों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई में आप पूरे ध्यान से पूरे एकाग्रता के साथ लगे रहें, क्योंकि आपका समय आपका साथ नहीं देने वाला है। वैसे जनवरी के पहले सप्ताह के बाद से लेकर अप्रैल के पहले वीक तक का समय आपके पढ़ाई लिखाई के लिहाज से काफी ज्यादा बेहतर रहेगा।
अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपका भाग्य आपका साथ देगा और अपने पढ़ाई लिखाई में आपको आगे बढ़ने का मौका भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इस मौके को आप कैच करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा मौका आने वाले वक्त में आपको बहुत कम मिलेगा। इस बात को आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में आपके घर परिवार का माहौल ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन फरवरी के महीने के बाद आपका पारिवारिक जीवन सही हो जाएगा। और फरवरी के महीने से पहले आपको आपके घर परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर अपने परिवार वालों के साथ आप कुछ करना चाहोगे, अपने घर परिवार में आप कोई बदलाव करना चाहोगे, तो आप बदलाव नहीं कर पाओगे और इस वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फरवरी के महीने के बाद मार्च के महीना से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। इसके बाद जानते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि इस वर्ष में आप शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के पैर को छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें आप मिश्री, बतासा या कोई सफ़ेद मिठाई प्रसाद के रूप में खिलाएं। आपका समय शानदार हो जाएगा। तो यही था 2021 का राशिफल और उपाय। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, धनु मकर स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। और दोस्तों, कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय सियाराम।